फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू दिव्या ब्लॉग एंड फूड। और आज मैं आप लोग के साथ केले की एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो कि बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है कच्चे केले, 4 कच्चे केले लिए हैं मैंने। इसके छिलके में इस तरह से सारे केले को इस तरह से छील लूँगी। सारे छिलके हम इसके उतार लेंगे और ये छिलके की रेसिपी मैं बहुत ही जल्द आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। तो इस तरह से आप चाहें तो, अगर आपके पास एकदम कच्चे बिल्कुल ताज़े वाले कच्चे केले हैं तो आप छिलके नहीं भी उतार सकते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे सारे केले को छील लिया है और इस तरह से हम इसकी स्लाइसेस काट लेंगे। 3-3 स्लाइसेस मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसे हमें थोड़ा मोटा ही रखना है, ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं काटेंगे। इस तरह से हम सारे केले को कट कर लेंगे और देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। अब मैं एक मसाला तैयार कर रही हूँ जिसमें मैंने सरसों लिए हैं। सरसों इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रीन चिली लिया है, लहसुन लिया है, सौंफ लिया है, जीरा लिया है और सारे मसाले को हम ग्राइंड कर लिए हैं। और एक मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ केले के ऊपर, एक मैरिनेट। इसमें मैंने हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स। और मैं इसमें ढाई चम्मच मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। और ये जो मसाला हमने तैयार किया था इसमें हम एक चम्मच ऐड करेंगे और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। ये सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है ये। और इस तरह से हम इस पे सारे मसालों को इस तरह से कोट कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट। देखिए, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर लिया है। और इस तरह से हम इसको कोट होने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। और 5-6 मिनट जब हमारे हो जाएंगे उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमें सैलो फ्राइंग करना है। मैंने पैन में ले लिया है सरसों तेल 2 बड़े चम्मच और इसमें मैं जितने भी स्लाइसेज हैं केले के, इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। बस हमें इसे 80% कुक करना है फ्रेंड्स, ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरह से पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम इसको पलट पलट कर इस तरह से पका लेंगे। और हमें इसे इस तरह से पलट पलट के ही पकाना है। और ये बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम एक नाइफ की मदद से मैं चेक कर रही हूँ। देखिए, हमारा पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और आप इसको इस स्टेज पे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं इसको ग्रेवी में बना रही हूँ। तो इसी पैन में मैंने ले लिया है सरसों तेल और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा और सरसों के दाने। अब हम इसको थोड़ा सा चटकने देंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ या मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लिया है मैंने। आप चाहें तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, अगर केले के साथ आपको पसंद नहीं है तो नहीं भी ले सकते हैं। और ये जो मसाला हमने तैयार किया था गीला मसाला, इसमें ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे फ्रेंड, क्योंकि गीला मसाला भूनने में टाइम लगता है। तो इस तरह से अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर लेंगे, रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, हरी और ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ भूनेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको भूनेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। और देख सकते हैं मसाले में एक अच्छा सा कलर आ गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ सॉल्ट। और सॉल्ट इसलिए मैंने ऐड किया था क्योंकि मैं इसमें डालूँगी अब टमाटर। मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है, उसको बारीक चॉप कर लिया था। और इस तरह से हम इसको ढक कर पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर पक जाए। तो देख सकते हैं हमारे टमाटर पकना शुरू हो गया है। और इस तरह से हम इसको स्पैचुला से दबाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट बना था। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किया था केले को। आप इसको इस स्टेज पे भी आप निकाल कर खा सकते हैं चपाती के साथ, राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, जितना ग्रेवी आपको चाहिए। इस तरह से हम इसको ढककर पका लेंगे। हमारा केला ऑलरेडी पका हुआ है और मसाले भी अच्छे से पके हुए हैं, तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा टेस्टी बना है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी थोड़े से हरे धनिए के पत्ते, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। अब मुझे सपोर्ट करें। तो देख सकते हैं हमारी रेसिपी बन के कच्चे केले की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी सब्जी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।